You don't remember how we met? I do. I thought you did. How did we meet? Oh, shit! At dinner? No. Yes, we did. We did. Clearly, it made an impression on me, but somebody else didn't care. We had dinner on New Year's Eve. We worked together. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. It's true. Oh, it was bad. I didn't think about that because... I don't feel so good. ये क्या सुनने को मिल रहा है? ज़ेंडाया प्रेग्नेंट? Who knows? The world may never. हमने तो स्पाइडरमैन नो वे होम में देखा था कि स्पाइडरमैन लड़कियों को आकर्षित करता है, हिप्नोटाइज कर लेता है और उनका गलत यूज करता है। कुछ लोग कहते हैं कि पार्कर मेल स्पाइडर्स की तरह फीमेल्स को हिप्नोटाइज कर सकता है। बस भी करो ये। और ये खबर डेली बिगल्स में छपी थी, पर वो तो मूवी थी, ये तो रियल लाइफ में हो गया कि भाई ज़ेंडाया प्रेग्नेंट और टॉम हॉलैंड का बच्चा है ज़ेंडा के पेट में। Alfred. You got me. रुको तो सही, जैसे ये खबर वायरल हुई थी ऑनलाइन पूरे इंटरनेट पे बम फट गया था। ज़ेंडा के ऊपर मैसेज पे मैसेज, सारी सेलिब्रिटी उन्हें कांग्रेस बोलने वाली थी, जिसमें कि ली नास ने जैसी उनको ये खबर पता चली वो कांग्रेस बोलने वाले थे, पर उनको ये जब बात पता चली कि ये झूठी खबर है, बच्चा तो आया ही नहीं इस दुनिया में, तो उन्होंने इस चीज को ट्विटर पर बताया, आप खुद देख सकते मेरी स्क्रीन पर। और उसी के साथ ज़ेंडा ने इस चीज को रिस्पॉन्स करते हुए रिजेक्ट करा कि ऐसी अफवाह ना फैलाया करो और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पर जैसे ही मैंने ये न्यूज सुनी भाई, मुझे लगा कि टॉम हॉलैंड के तो भाई दोनों हाथों में लड्डू है। आपको ये गॉसिप न्यूज कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए अब बात करते हैं एक और हॉट टॉपिक गॉसिप न्यूज के बारे में। नेटली पोर्टमैन ने काफी टाइम बाद अपने इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे एक पोस्ट करा, जिसमें कि वो व्हाइट रंग की ड्रेस पहनी है और छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स हैं। उस ड्रेस को नाम दिया गया ऑफिशियली पोल्का डॉट ड्रेस। अब इस स्टोरी का रीजन ये बताया जाता है कि जब उनकी एक डॉक्यूमेंट्री मूवी आई थी जिसका नाम था ईटिंग एनिमल्स, तो तब वो उसके रेड कार्पेट में ये ड्रेस पहनी थी और काफी टाइम बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे डाली और देन उसमें वो इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि ये काफी ज्यादा वायरल हुई। अब अगली खबर के लिए थोड़ी स्पेशल वार्निंग, अगर बगल में फैमिली है तो भाई हट जाओ, इस वीडियो को स्किप करो, बाद में देखना ये गॉसिप अपडेट। साल 2016 में पेरिस में एट द म्यू म्यू की लॉन्च में हमारी वांडा यानी कि एलिजाबेथ ओल्सन गई थी, जिन्होंने काफी खूबसूरत सी ड्रेस पहनी थी और तुरंत वहां पे जैसी हवा चली हमें वो देखने को मिला जो नहीं देखना चाहिए था, और इस चीज का फायदा उठाते हुए फोटोग्राफर्स ने तुरंत क्लिक्स करे और इस इमेज को काफी ज्यादा वायरल कर दिया। अगर आपको ये फुली देखनी है तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वरना मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। और ये इतनी ज्यादा वायरल हुई साल 2016 में, एलिजाबेथ को इस चीज के लिए काफी शर्मिंदा होना पड़ा। अब बात करते हैं कुछ बेवकूफ लोगों के बारे में। एम्बर हर्ड, जो कि जॉनी डेप के साथ अभी हाल ही में उनका काफी बड़ा मुकदमा चला, किस चीज के ऊपर कि उसने मुझे मारा पीटा, ऐसी फालतू आरोप लगाए, पर फाइनली रिजल्ट क्या निकला आप सभी जानते हो। ये सब होने के बाद एम्बर हर्ड ने अभी हाल ही में बयान दिया कि जॉनी डेप से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं उनके बिना रह नहीं सकती, और शायद मैंने सोशल मीडिया पे भी अपना ये पोस्ट डाला था, आपने अगर नोटिस करा होगा, अगर नहीं नोटिस करा तो जाके फॉलो करो, कर क्या रहे हो। और उसी के साथ एक और चीज़ जो सबसे भयानक लगी देखने में कि अभी हाल ही में एम्बर हर्ड डिस्काउंट स्टोर में जाकर शॉपिंग करती नजर आई। काफी लोगों ने इस चीज को भी ट्रोल करा कि शायद मे बी उनके पास अब पैसा नहीं है और शायद मे बी उन्हें फ्यूचर में कोई मूवी भी नहीं मिलेगी। डिस्काउंट स्टोर में ये इमेजेस वायरल हुई जो कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि शायद वास्तव में उनके पास अब एक रुपया नहीं बचा है। आपको क्या लगता है एम्बर हर्ड का आगे फ्यूचर में क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए अब बात करते हैं स्कारलेट जॉनसन यानी कि एके ब्लैक विडो के बारे में। ये काफी टाइम पहले काफी चर्चा में रही थी जब ब्लैक विडो मूवी रिलीजिंग के टाइम पे थी। मूवी रिलीज हो गई थी, उनको बिल्कुल भी पैसे नहीं मिले थे रिलीजिंग के बाद, उन्होंने डिज्नी पे मुकदमा ठोका, पर डिज्नी ने सही फैसला करते हुए सेटलमेंट करा और उनको अच्छी खासी रकम प्रोवाइड कराई। और अपडेट ये आ रहे हैं कि वो न्यूयॉर्क में क्लोनिन जॉस्ट के साथ यानी कि अपने हस्बैंड के साथ एक अच्छा सा पेंट हाउस देख रहे हैं। आप मेरी स्क्रीन पर इमेजेस देख सकते हैं और इसकी कीमत जो बताई जा रही है वो काफी ज्यादा कमाल की है, करीब 180 करोड़ का न्यूयॉर्क में ये पेंट हाउस खरीदने वाली है। अभी खरीदा नहीं है, पर जैसी कोई कंफर्मेशन आएगी आपको तुरंत गॉसिप न्यूज अपडेट में प्रोवाइड कराऊंगा। तो गाइस ये थे वो काफी सारे चटपटे हॉट गॉसिप अपडेट्स। आपको कौन सा अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए ना, शेयर करना, बाय बाय, जा रहा हूँ।